हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सेल वीवीए फंक्शंस। हम आपको पढ़ाएंगे एक्सेल वीवीए फंक्शंस की मदद से कैसे आप वीलुकअप एंड जो हमारे एक्सेल फॉर्मूले हैं उसमें आप और ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं हमेशा एक सैम्पल डेटा बनाता हूँ क्योंकि सैंपल डेटा पे रिजल्ट जल्दी आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और यहाँ पे मैं सेल्स लिख दिया। तो सैंपल डेटा में क्या होता है कि रिजल्ट जो है आपका, जो रिजल्ट जो है आपको समझ में आता है इजीली। बड़े डेटा पे आपको पहले डेटा समझना पड़ जाता है। तो वी लुकअप हम लोग लगाते हैं, तो वी लुकअप क्या करता है कि अगर सॉर्टेड ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अगर आपके पास एक ही नाम कई बार रिपीट है, अगर आप वी लुकअप लगाते हैं तो क्या होता है कि वो पहले ही डेटा को, जो पहला मिलता है उसी को शो करता है। तो हम इसी इसी चीज़ में काम करने वाले हैं कि हमेशा शोर ना हो, जितने जितने डेटा है वो सारे डेटा शोर, एक ही जो है वो हमेशा शोर ना हो। मैंने कुछ नाम लिस्ट ले लिए और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ओके, और मैं रैन बिटवीन की फॉर्मूला लगा के, रैन बिटवीन की फॉर्मूला लगाया और इसमें मैंने कुछ नंबर डाल दिया स्टार्टिंग से एंडिंग, ताकि ये रैंडमली नंबर मुझे यहाँ पे जनरेट कर दे। कॉपी किया, इसको मैं वैल्यू पेस्ट करता हूँ ताकि बार बार नंबर चेंज ना। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए मैं पुनीत को सर्च करता हूँ, तो पुनीत के लिए हम वीलुकअप यूज करते हैं। इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा 2, 0। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सिर्फ जो 34 जो आया इसी को दिखा दिया, लेकिन पुनीत नीचे भी है। मैं चाहता हूँ इसके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो कॉमा कॉमा करके दिखा दें। इस चीज़ के लिए आप एक्सेल में कोई रोल नहीं है, एक्सेल में कोई आपको इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने खुद के फॉर्मूले वीवीए के जरिए डेवलप करते हैं। तो हम डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक पे आएंगे और एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा हम मॉड्यूल्स में ही प्रोग्रामिंग करते हैं। फंक्शन का नाम डिक्लेयर करेंगे, फंक्शंस मैं यहाँ पे ऑल लुकअप के नाम से फॉर्म, ए लुकअप के नाम से फॉर्मूला बनाता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। अभी हमें बारी आती है फॉर्मूले की इनपुट्स की। तो मैं सबसे पहले पुनीत इनपुट करूँगा। तो पुनीत अभी तो टेक्स्ट है, लेकिन इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एन एज ए वेरिएंट। दूसरा हमारा डेटा रेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा आर एज ए रेंज। तीसरा कॉलम नंबर होगा, उसी एज ए बाइट कर देते हैं या फिर इंटीजर कर देते हैं, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ए वी लुकअप का, तो ए वी लुकअप, ए लुकअप सॉरी, ए लुकअप, ए लुकअप का फॉर्मूला आ गया। ए फॉर्मूला मेरे सिर्फ मेरे सिस्टम में चलेगा क्योंकि मैंने इसको खुद क्रिएट किया है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एन पे स्टोर हो गया। फिर मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, जब भी रेंज को सेलेक्ट किया ये आर पे स्टोर हो गया, और मैं यहाँ पे 2 डाला तो 2 पे स्टोर हो, ये जो है आपका सी पे स्टोर हो गया। अभी रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। मतलब E3 की वैल्यू N पे स्टोर हो गई है, रेंज जो है A1 से B31 वो R पे सेट हो गया है, और C जो है आपका ये सी, एस जो 2 है वो C पे स्टोर हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या लगा है, वी लुकअप तो लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है ना, इसमें हम सिर्फ ए से A31 एक ही कॉलम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगेगा कि पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं डिम आर एज ए रेंज, R1 होगा क्योंकि R ऑलरेडी डिफाइन है, dim R एज ए रेंज। फिर मैं यहां पे करूंगा 4 H
आर इन, सॉरी आर वन इन आर एंड कंडीशन दूंगा कि इफ आर डॉट वैल्यू आर वन माफ कीजिएगा आर वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर, आर नहीं होगा ये होगा आपका एन, देन एक वेरिएबल ऊपर भी डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग बिम डी एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि रिजल्ट इसी पे स्टोर होगा ना, तो डी इक्वल टू आर वन डॉट ऑफसेट और इसमें हो जाएगा आपका जीरो रो एंड सी माइनस वन कॉलन, क्योंकि ऑफसेट हमेशा जीरो ही चलता है, डॉट वैल्यू, लेकिन एक कंबाइन होगा कि डी के साथ कॉन्कटा नेट लगेगी इसमें और यहाँ पे हम कॉमा देंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका एंड इफ और यहाँ हो जाएगा आपका नेक्स्ट आर वन, उसके बाद हम वैल्यू को असाइन करेंगे फॉर्मूले के रिजल्ट के लिए, तो फॉर्मूला नेम हम कॉपी करके यहाँ पेज करेंगे और इक्वल टू लिखेंगे आपका डी। अब चलिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको एंटर मारता हूँ, रिजल्ट आ गया 3416। तो क्या पुनीत दो ही बार है क्या? एक हो गया और एक दो हो गया 16 और नीचे मैंने देखा तो नीचे कहीं दिख रही है, राइट सही है, रिजल्ट सही है, लेकिन पहले एक कॉमा आ रहा है, ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं कि डी इक्वल टू आर आई जी एस डी राइट ब्रैकेट ओपन डी कॉमा लेन डी माइनस वन और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, अब रिजल्ट जो आएगा वो सही है आया। अब पुनीत की जगह मैं यहाँ पे सुनील करता हूँ, तो सुनील के जितने भी सारे आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने सुनील ऐसे कर दिया तो रिजल्ट वैल्यू आ रहा है, व्हाई? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है और याद रखिएगा एक वीवी माइक्रो के अंदर, वीवी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम बनाते हैं उसमें आपका केस सेंसिटिव होता है, तो केस सेंसिटिव होता है इसका मतलब क्या है कि बड़े छोटे का फर्क करता है, इसके लिए इसका उपाय क्या है, इसको हटाना है तो मैं दोनों को कन्वर्ट कर देता हूँ यू केस में, यू केस इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने और एन को भी हम यू केस में डाल देते हैं, तो दोनों का केस कन्वर्ट होके सेम केस में आ जाएगा जिससे हमारा मैचिंग हो जाएगा, यू केस और मैंने एंटर मारा, सही है यहाँ पे एंटर मारना है डबल क्लिक करके, मानने की जरूरत नहीं अपने आप आ गया। ये हमारे पास हमने वी लुकअप, इसी तरीके से वी वी प्रोग्रामिंग यूज करके हम अपने फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ बुक वन वाले शीट में ही चलेगा, किसी अनदर शीट में नहीं चलेगा, तभी चलेगा जब बुक वन आपका ओपन होगा। आप चाहते हैं माइक्रो किसी को मेल करना या किसी को देना, इसके लिए आप इसको सेव एज कर दीजिए एक पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, एक मिनट हैंग हो गया, और इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्सेल एडिंग्स डेस्कटॉप पे जाके और इसका नाम दे देता हूँ ए लुकअप एंड से, अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, इस फाइल को भी सेव रखना, रख लीजिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने इसका मैक्रो निकाल लिया है। तो देखिए मैक्रो जो आपका एडिंस फाइल है, एडिंस फाइल आपका ए है, इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ मैक्रो की फाइल होती है। अब किसी को मुझे मेल करना है, जस्ट मैं इसी को मेल कर दूंगा और ये अपने एक्सटर्नल एड्स ऐड कर लेंगे, तो उसको बस हर सिस्टम में चलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर मैं इसको करना चाहूँ, मैं फिर नया एक्सेल को भी नया एक्सेल ओपन करता हूँ, और फिर इसके हम ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास एडिंग्स है, एडिंग्स पे सेलेक्ट कर लिया हमने, वो एक्सेल एडिंग्स बाय डिफॉल्ट होता है। और फिर यहाँ से आप ब्राउज कीजिए, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ एडिंग्स है सेलेक्ट कीजिए, एड ओके कर। अब हर एक्सेल में आप अगर फंक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ यूजर डिफाइन होता है, यूजर डिफाइन पे जाओ, यहाँ पे आपको ए लुकअप का फंक्शन आ जाएगा और इसको आप अप्लाई कर सकते हो सिंपल। तो इस तरह के फंक्शन बना के अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हमने हम हमने हमने आपको पढ़ाया कि इस तरीके से हम एक्सेल वीवीए को यूज करते हैं, एक्सेल को यूज करते हैं, एक्सेल फंक्शन को यूज करते हैं। तो आप मेरी रिकॉर्डिंग तो देख ही रहे हो, लेकिन रिकॉर्डिंग एक तो मेरी सीक्वेंस नहीं होती है यूट्यूब पे, दूसरी पूरी आप रिकॉर्डिंग से ही आप पढ़ना चाहो तो ये नहीं पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला कि आप क्लासेस ले लो, तो बोलते हैं कि सर रिकॉर्डिंग से देख लेता हूँ मैं। बात सही है, लेकिन रिकॉर्डिंग से आप जो है तुक्का मार सकते हो या फिर कुछ हद तक ही सीख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रियल में एक्सेल वीवी और एक्सेल एक्सपर्ट बनना, तो उसके लिए आपको मुझसे या किसी और से एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एक सिक्वेंसली ट्रेनिंग लेने पड़ेगा वन बाई वन। हम ट्रेनिंग देते हैं, हम हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है जो कि लाइव होती है, हम गो टू मीटिंग के जरिए हम ट्रेनिंग लेते हैं। गो टू मीटिंग एक वेबिनार सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लाइव आपको ट्रेनिंग देते हैं। पहले हम 3 या 4 आपको फ्री डैमो देते हैं, 3 या 4 आप मुझसे डैमो लीजिए, अगर डैमो पसंद आता है उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए। डैमो लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं, iptindia.com, iptindia.com, iptindia.com आप लॉगिन कीजिए, या फिर मेरा जो नंबर है 8826820093 पे कॉल कीजिए। कभी कभी नंबर मैं पिक नहीं कर पाता हूँ या फिर हो सकता है नॉट रिचेबल हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके यहीं जैसे वेबसाइट लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आता है ऑफरिंग फ्री 3 डे डेमो ट्रेनिंग, आप इस पर बुक नाउ पे क्लिक कीजिए और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे आपको डेमो क्लासेस का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने डेमो क्लासेस को फिल कर सकते हैं, या फिर कोर्स के बारे में अधिक जानना हो तो आप कोर्स ऑफर्ड में चले जाइए, यहाँ पे आपके कोर्स ऑफर्ड होंगे जिसमें हमारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबके डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर्स और सारी चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जल्दी से मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा, या फिर मेरे वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके डेमो क्लासेस का फॉर्म भरिए और हमसे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। बस एक बार डेमो लेके देखिए, आप मेरी क्लास को दीवाने हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस हमारा फ्यूचर क्लासेस है, अभी इन फ्यूचर में 5 या 10 ईयर के बाद क्लासरूम ट्रेनिंग सारे हट जाएंगे, सारे के सारे क्लासेस ऑनलाइन होगा। तो क्यों ना हम अभी से ऑनलाइन क्लासेस के आदी हो जाए। तो आप एक बार ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, उसके बाद डेमो लीजिए, इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग कितनी बेनिफिशियल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।